Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Monday and it is 6 June. कॉल करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी. और मैंने वहां पर एक चैनल मेंशन कर दिया है, जैसे मैंने फॉरवर्ड किया है तो वहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा चैनल का नाम, तो आप उसको भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. वो मेरा चैनल नहीं है, बट अभी के लिए उस पर काफी दिनों से न्यूज़पेपर्स डेली अपडेट हो रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसे चैनल्स पे जनरली कॉपीराइट लग जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने उसका ऐसे डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, पर आप ट्राई आउट कर सकते हैं उसको भी, अगर आपको जैसे हिंदू चाहिए या कोई और बिजनेस पेपर चाहिए. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से. ये नोट्स भी आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पूरा कॉपी कर दिया, और दूसरी बात इसका मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा इस वीडियो के रिलीज होने के बाद. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से. आरबीआई कुड गो फॉर अप टू 50 बीपीएस हाइक इन रेपो रेट. सबसे पहले समझते हैं आरबीआई, तो आप सभी को पता होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. अपना रेपो रेट समझते हैं पहले. रेपो रेट होता है वो रेट, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है. तो क्या होता है, काफी बार कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाता है बहुत ज्यादा, और मनी फ्लो कम हो जाता है. उस मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, ताकि वो आगे लोन दे सके और मनी फ्लो मेंटेन हो सके. तो वो सेंट्रल बैंक से आपका पैसा रेज करता है, मनी लेता है. वो जो इंटरेस्ट रेट होता है सेंट्रल बैंक चार्ज करता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं. आज के टाइम पे करंटली वो 4.4% पर चल रहा है. आप न्यूज हेडलाइन से ये पता लगा सकते हैं कि आरबीआई इसको बढ़ाने की बात कर रहा है. 50 बीपीएस का मतलब होता है 0.5%, हाफ अ परसेंट भी आप इसको बोल सकते हैं. तो इतने बड़े मार्जिन से आपके इसके इंक्रीज होने की बात हो रही है. और अगर आपको नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा मार्जिन है, छोटे मार्जिन है, तो ऐसा नहीं है, बिलियंस में फिगर है, तो काफी बड़ी बात हो जाती है अगर इतना इंक्रीज हो रहा है. और बाकी इसका रीजन देखें तो इसका रीजन रहेगा कि कंट्रोल करना इन्फ्लेशन. आरबीआई ने काफी टाइम से प्रिडिक्शन दे रखा है कि ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में 2-6% आपका इन्फ्लेशन रहेगा. उन्होंने जो टर्म एक्जैक्टली यूज करी थी वो थी 4 ± 2%. तो मतलब उसको लूजली ट्रांसलेट करके आपका बनता है 2 से लेकर 6%. बट अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए, अप्रैल के अंदर आपका इन्फ्लेशन 7.79% पर चला गया इंडिया का. तो मतलब ये काफी बड़े मार्जिन से आपका लिमिट ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए, वापस 6% के अंदर लाने के लिए, और इन फिगर्स को अचीव करने के लिए ये आपका मेजर लिया जा रहा है. ग्लोबली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी बहुत ही बेकार चल रही है. अगर आपको मैं टर्की की फिगर्स बताऊंगा जो मैंने मेंशन नहीं करी है यहाँ पर, टर्की की फिगर्स अप्रैल या मई में उनकी फिगर्स 73% इन्फ्लेशन पर चली गई है. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. ये मतलब ऐसे बिल्कुल अनबिलीवेबल टाइप फैक्ट है. आप देख सकते हैं मई के अंदर उनकी इन्फ्लेशन 73.5% पर है. मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरे को इसके बारे में स्टडी करना चाहिए अभी पहले. खैर आगे देखते हैं. यूएस में अगर देखें तो यूएस के अंदर अप्रैल मंथ में 8.2% पर चली गई है, यूरोप के अंदर 8.1%. ये मई की बात कर रहे हैं. तो मतलब ग्लोबली इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया है, और उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में काफी फर्क पड़ा है. ईपीएफओ मल्स रेजिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 25%. सबसे पहले हम ईपीएफओ का मीनिंग जानेंगे. ईपीएफओ होता है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोविडेंट फंड आपका जैसे कोई एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी में से छोटा छोटा पार्ट कटते रहता है पूरे साल भर, मतलब पूरे ओवर द टेन्योर, जितने भी साल वो काम करता है हर साल. तो उसमें क्या होगा कि उसकी सैलरी में से कुछ कुछ पार्ट कटता रहेगा और वो एक फंड में जाके जमा हो जाएगा. जनरली उसके अंदर एम्प्लॉयर या फिर पर्सन जो कंपनी है वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर देती है. उसके बाद क्या होगा कि जब प्रोविडेंट फंड, मतलब जो पर्सन है वो रिटायर करेगा, तब उसको प्रोविडेंट फंड एक साथ मिल जाएगा. मतलब वो एक सेविंग्स की तरह उसका डिपॉजिट होता रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा, और वो आपका फिर उसे रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा. तो ये प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता है. प्रोविडेंट फंड में आप हो क्या रहा है कि क्योंकि एक प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसके पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है. तो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियस बात है उसके पास भी वही ऑप्शन निकल के आते हैं जो बैंक्स के पास आते हैं या और भी किसी अथॉरिटी के पास आते हैं, इन्वेस्टिंग अथॉरिटी के पास. तो उसके अंदर एक बड़ा ऑप्शन रहता है इक्विटी, दैट इज शेयर मार्केट के अंदर, आईपीओ, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना. और उसके अंदर क्या है, अब ये अपनी लिमिट को, इक्विटी लिमिट को, कि कितना परसेंट ऑफ पूरा फंड, अगर इनके पास 100 रुपए आ रहे हैं पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, तो उसका कितना पार्ट ये इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं. तो उसको ये बढ़ा के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25% कर देना चाहिए. इसका रीजन ये बहुत बेसिक स्टेट कर रहे हैं कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, हमें पता है, बट रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है. तो रिस्क रिटर्न का जो रेशियो है, हम उसको मैनेज अगर कर लेते हैं तो हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर पाएंगे विद हायर रिटर्न्स, जो कि मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर. तो ये इनका मेन रीजन रहा जिसकी वजह से, मतलब इन्होंने ये डिमांड की ये चीज, ताकि ये हायर रिटर्न्स को डिमांड कर प्रोवाइड कर सके.
थर्ड पॉइंट पर चलेंगे, यूपीआई एप्स में गेट मोर टाइम टू अडियर टू 30% मार्केट कैप ऑन मार्केट शेयर, 30% कैप ऑन मार्केट शेयर। तो ये क्या है आपका, ये हम न्यूज समझते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपका यूपीआई एप्स के बारे में देखते हैं। यूपीआई एप्स आपकी बहुत सारी होती हैं, जनरली आप सभी को इसके बारे में पता है, बट इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके बारे में काफी कम लोगों को पता है, दैट इज एनपीसीआई। एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम। ये मतलब यूपीआई के लिए आप एक तरीके से इसको सेंट्रल अथॉरिटी मान सकते हैं, गवर्निंग अथॉरिटी मान सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स यूपीआई के जो होते हैं वो एनपीसीआई के थ्रू अप्रूव होते हैं। मतलब एनपीसीआई अगर काम नहीं कर रहा किसी दिन तो कोई यूपीआई वर्क नहीं करेगा। एनपीसीआई इतनी मतलब गवर्निंग अथॉरिटी है इस सेक्टर के अंदर। हालांकि इतना फील नहीं होता अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी वो हो जाता है। तो ये उसके लिए यहाँ पर रियलाइज करने के लिए मैंने अगेन पूरी लाइन लिखी है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक लिमिट सेट की थी 30% मार्केट कैप की। 30% मार्केट कैप मतलब पेमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको 30% मार्केट कैप के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि आप 30% से ऊपर मार्केट शेयर को अक्वायर नहीं कर सकते। अगर आप अक्वायर कर रहे हैं तो आप अपने ऑपरेशंस आपको शट करने पड़ेंगे कहीं लोकेशंस पे, जो जैसा फिर एनपीसीआई बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्यों होता है, ताकि कॉम्पिटिशन मेंटेन रह सके। अगर 30% मार्केट कैप नहीं लगाएंगे और हो सकता है कि डुओपोली या मोनोपोली क्रिएट हो जाए। डुओपोली मतलब सिर्फ दो ही प्लेयर्स रह जाए, मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही प्लेयर रह जाए इसके अंदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं मोनोपोली का, तो मोनोपोली ट्रेन्स में आपकी, ट्रेन्स में सिर्फ आईआरसीटीसी नाम की एक कंपनी है, वही आपकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी है, वही आपकी सारी ट्रेन्स को मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। अगर वैसा कुछ टेलीकॉम इस पेमेंट सेक्टर के अंदर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करने लग जाएगी, और क्योंकि वो ओनली कंपनी बच जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मतलब लोगों को उसको यूज़ करना ही पड़ेगा या फिर कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ताकि नेशनल पेमेंट्स इंडस्ट्री पूरी बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 30% मार्केट कैप का यूज़ किया है। अगर 30% मार्केट कैप भी तीनों प्लेयर्स यूज़ कर लेते हैं, तीन प्लेयर्स यूज़ कर लेते हैं, तो भी कम से कम चार प्लेयर्स की इंडस्ट्री रहेगी, उससे रेगुलेशन ये कर पाएंगे। तो इस तरीके से जैसे अभी आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आज की डेट में तीन कंपनीज बची हैं, जियो एयरटेल एंड वोडाफोन। तो मतलब यही आपका मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट वहां पर भी उन्होंने लगाया है। हालांकि वोडाफोन अब काफी मतलब अगर मार्केट कैप देखे तो काफी कम हो चुका है एयरटेल और जियो के कंपेरिजन में, बट हाँ जो भी है वो तो पर्सनल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आगे देखिए तो अब यहाँ पर अभी के लिए वरी है गूगल पे और फोन पे के लिए। गूगल पे का आपका मार्केट शेयर अभी 34% पर चला गया, फोन पे का बहुत ज्यादा 47% पर चला गया। तो इनको आप किसी तरीके से कट वगैरह करके 30% पर आना पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर एनपीसीआई के जो डायरेक्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एनपीसीआई हम चाहते हैं कि 30% मार्केट कैप को ऑपरेट करा सके, एग्जीक्यूट करा सके, बट एट द सेम टाइम हम वरीड हैं कि हम अगर ऐसा कराएंगे तो हो सकता है जिन एरियाज में लोग फोन पे यूज करना बंद करेंगे 30% मार्केट कैप पर पहुंचने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो यूपीआई यूज करना बंद ही कर देंगे। तो ये जो डाउनग्रेड होगा ये यूपीआई की ग्रोथ में हिंडर करेगा, तो ये चीज में दिक्कत करेंगे वो। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं ये इन्हें सोचना है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, एयरटेल एआरपीयू लाइकली टू जंप 41% इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स टू ₹250। एआरपीयू बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। एआरपीयू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो एयरटेल का एआरपीयू आपका 41% जंप करेगा नेक्स्ट 4 से 5 साल के अंदर। ये उन्होंने प्रिडिक्शन करके बताइए, एयरटेल की खुद की कंपनी की स्टेटमेंट है। तो ये ₹250 पर पहुंच जाएगा ऐसा ही बोल रहे हैं। पहला पॉइंट है प्रोपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर। तो ये आपका पॉइंट रीजन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। तो उसका ये कि आपका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू हमारा रहा है, यानी कि मतलब टोटल सेल्स और ये सब, और दूसरा है सब्सक्राइबर बेस जो हमारा वो काफी अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है। तो ये दो रीजन है। हालांकि इसके बावजूद भी एनालिस्ट्स ने और कुछ उन्होंने जो आपके वहाँ पे एयरटेल स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने कुछ ऐसी हिंट्स दिए हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं ऑन द बैक ऑफ मल्टीपल टैरिफ हाइक्स, यानी कि टैरिफ हाइक्स होने वाली है। टैरिफ हाइक्स मतलब जो आपका टेलीकॉम रिचार्ज होता है मतलब वो थोड़ा और महंगा करने वाले हैं। इन्होंने नवंबर दिसंबर के अंदर महंगा किया था, उसके बाद इनको कंज्यूमर का लॉस नहीं हुआ कुछ भी, तो मतलब उसके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी है, तो इसको और टैरिफ हाइक करने वाले हैं। एंड स्ट्रे सब्सक्राइबर गेन्स, इसका मीनिंग ये है कि ये ऊपर वाला पॉइंट है कि सब्सक्राइबर गेन इनका काफी कांस्टेंट रहा है उसके बावजूद भी कि इन्होंने टैरिफ हाइक्स किए थे। अब अगर हम एआरपीओ के बारे में बात करें तो एक मैंने आपको बोला ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और जिससे अब होगा क्या, इससे रिजल्ट में आएगा कि हायर ऑपरेटिंग मार्जिन इनको मिल रहे हैं, मतलब कि इनका मार्जिन बेसिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि आप समझिए कॉस्ट नहीं बढ़ी है बट आपने सेल प्राइस बढ़ा दिया है, तो जो डिफरेंस बचेगा प्रॉफिट का वो बढ़ जाएगा पर रेवेन्यू मतलब पर शेयर आप बोल सकते हैं। एंड फ्री कैश फ्लो फॉर द कंपनी, फ्री कैश फ्लो आप समझ ही रहे हैं कि अगर मार्जिन बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में क्रेडिट का सिस्टम बहुत कम है,
तो अगर मतलब लोन बेस्ड सर्विस या ऐसे कुछ सर्विस नहीं है, अगर आपने कभी भी रिचार्ज लोन पे या फिर ऐसे क्रेडिट पे नहीं कराया होगा, आपने जनरली पोस्ट पेड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा यूज की होंगी, पर पोस्ट पेड बहुत ही कम लोग यूज करते हैं इंडिया के अंदर। तो पोस्ट पेड जो भी यूज करता है उसके लिए एक्सेप्शन है, बट प्रीपेड जो भी यूज करता है वो बहुत ही एडवांस पेमेंट करके रखता है 3-3 महीने 4-4 महीने तक। तो कैश फ्लोज रिच बेसिकली इंडस्ट्री है। स्वैन एनर्जी टू कंज्यूम कमीशन फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी यूनिट। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपका पेट्रोल पंप होता है वैसे ही आपका शिप्स के लिए पेट्रोल पंप स्वैन एनर्जी लिमिटेड पहला खोल रही है इंडिया के अंदर, और ये ऑन वाटर मतलब नेचुरल गैस पोर्ट टाइप होगा। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट नेचुरल गैस पोर्ट इन गुजरात दिस ईयर, मतलब गुजरात के पोर्ट्स पे जो कोस्ट है उसके उसको खोल रहा है आपका। ये आपकी जो कंपनी है बेसिकली इसको ऑपरेट करेगी, उसका नाम लिखा हुआ है ऊपर स्वैन एनर्जी करके जो लिखा है, स्वैन एनर्जी लिमिटेड इसका नाम है। फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ शिपमेंट एलएनजीज मिड वाटर सॉर्ट ऑफ पेट्रोल पंप एंड वेसल। तो यहाँ पर बेसिकली ये वेसल की तरह काम करेगा और रिफ्यूलिंग होगी इसमें शिपमेंट और एलएनजीज की, मतलब ये आपकी बेसिक शिप्स हैं जो आपकी इम्पोर्ट्स में या एक्सपोर्ट्स में काम करती हैं। मेड कॉन्ट्रैक्ट्स जीएसपी, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट्स में बहुत ही कम चांसेस हैं कि उनको रीफ्यूलिंग की जरूरत होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट तो यहीं से जा रहा है पहली बार, इम्पोर्ट्स में हो सकता है कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़े। मेड कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं जीएसपीसी, आईओसी, आईओसी मतलब आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल एंड ओएनजीसी, इनके बारे में आपको पता है। जीएसपीसी को आप लुकअप कर सकते हैं, मैंने अभी इसका फुल फॉर्म या क्या ही ये अभी नहीं देखा हुआ है। ये 20 ईयर्स तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इन चारों कंपनी से साथ कर लिए हैं ऑलरेडी। 6 पॉइंट बहुत ही छोटा पॉइंट है बट मैंने कवर कर लिया क्योंकि आज थोड़ी कम न्यूज आई थी इसके अंदर। राइजिंग इन्फ्लेशन फोर्सेस शार्प कट इन 2022 स्मार्टफोन शिपमेंट फोरकास्ट। तो बेसिकली क्या है कि स्मार्टफोन आपका जो इन्फ्लेशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो लोग इंडिया में मंगाते थे जो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती थी वो मतलब वो भी एक एडवर्स है, मतलब कि परसेंटेज के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। तो अगर आपका बेस प्राइस बढ़ जाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो अमाउंट लग रहा है वो भी बढ़ जाता है, तो ओवरऑल आपका प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से शिपमेंट के फोरकास्ट कम हो रहे हैं, यानी कि जितने लोग स्मार्टफोन को शिप कराएंगे यानी इम्पोर्ट कराएंगे या एक्सपोर्ट करेंगे वहां से वो आपका कम हो चुका है। तो ये चीज थी इसके अंदर। अब इसके अंदर आईफोन वगैरह के प्राइसेस वगैरह लिखे हुए थे आर्टिकल के अंदर, कितना था पहले कितना हो जाएगा 13 वगैरह के 12 वगैरह के, तो मतलब मैंने ये सब मेंशन यहाँ पर नहीं किया। अब यहाँ पर एक काफी अच्छी न्यूज के बारे में बात करते हैं, वत्सा। वत्सा कौन है? ये आपके एक बिलियनियर इन्वेस्टर है, ये फेयरफैक्स नाम का एक ग्रुप है, उसके फाउंडर है। तो ये आपके क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का 7 बिलियन और इंडिया के अंदर। हैदराबाद बेस्ड ये आपके बेंगलुरु बेस्ड आपके ये पर्सन है, इन्वेस्टर है, और अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी काफी अमाउंट मतलब इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के अंदर। अब ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मैं इसको नेक्स्ट कर लूँगा यहाँ पर, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से कि इंडिया आपका 10% ग्रोथ फेज में रहेगा। 10% ग्रोथ फेज का मतलब आपका है कि काफी डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो आपकी 10% ग्रोथ फेज में जाती है। तो मतलब 10% ग्रोथ फेज एक काफी बड़ा बेंचमार्क है, अभी तक के टाइम पे 7-8% आपका ग्रोथ फेज चल रहा है, जो कि मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 10% ग्रोथ फेज में पहुंचेगा। तो इसके लिए ये 7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनका रीजन एक और उन्होंने स्टेट किया है जो मैंने इस थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, इंडिया हैज मूव फ्रॉम अ सोशलिस्ट नेशन टू ग्रोथ ओरिएंटेड नेशन। तो मतलब ये इनका काफी अच्छा पॉइंट है, अगर आप इसको हाईलाइट करने की कोशिश करें तो आप इस पर पूरी केस स्टडी लिख सकते हैं कि सोशलिस्ट नेशन था इंडिया पहले, कि हालांकि हमने मतलब ऑन पेपर हम मिक्स्ड नेशन थे, मतलब हमने कैपिटलिस्टिक चीजें भी अक्वायर की थी और यहाँ पर ऐसे पर्सनल प्रॉपर्टी नाम के राइट्स हैं ये सब है, बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का जो स्टांस था वो आपके सोशलिस्ट नेशन की तरफ था। और एक बीजेपी गवर्नमेंट को जो सबसे मेजर आपका पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, वो उनका है बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन मतलब कि जितना वो बिजनेस की सेंस में सोचते हैं और इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में सोचते हैं। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक कंट्री होता है एक इकोनॉमी होता है। कंट्री को डेवलप करने के लिए आपका सोशलिस्ट मेजर्स अच्छे रहते हैं, उसमें सोसाइटी डेवलप होती है, बट अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स लेने पड़ते हैं। अगर ये आपकी स्टेटमेंट हो सकता है आपके काम ना आए, बट ये आपको लॉजिक समझने में को हेल्प करेगी। और बीच में जो मैंने यूपीआई की बात की थी, यूपीआई मैंने यहाँ पर छोटा सा ब्रेक जब लिया ही है तो मैं आपको बताता हूँ, एक स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट हमने रिलीज किया है हमारी FIC हंसराज कॉलेज की सोसाइटी ने, तो यहाँ पर आप इसका मैं लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसमें हमने जो पेटीएम के आपके फाउंडर थे उनके मेंटोर को इंटरव्यू किया, मतलब उनके मेंटोर को, तो उसके साथ हमने 2 पॉडकास्ट किए, सेगवे इनटू गेटवेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इनको हमने मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के पॉडकास्ट है, और अगर आपको यूपीआई के बारे में सब कुछ जानना है तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही रिकमेंडेड है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये पॉडकास्ट निकाला है, हमें वो काफी टाइम हो चुका है, जून 1 को हमने निकाल दिया, मैंने कभी मेंशन नहीं किया, और एक इसका पहले वाला एपिसोड भी आ चुका था अप्रैल 23 को, तो मैंने वो मेंशन नहीं किया बिकॉज हो सकता है आपके वो काम ना है, बट इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा और नीचे आप उसको देख सकते हैं। ये पूरा पॉडकास्ट की सीरीज हम चलाने वाले हैं, आगे भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बीच में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज से। आरबीआई हैड क्वेश्चंस अबाउट होम लोन अग्रीमेंट बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। तो बेसिकली क्या है कि आप सभी को पता है कि अप्रैल में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो है उन्होंने आपका मर्जर करने का प्रपोज किया था। आरबीआई इस मर्जर के मतलब ऑन पेपर तो अगेंस्ट नहीं है, बट हाँ ऐसे स्ट्रक्चरली अगेंस्ट है, यानी कि वो नहीं चाहता है कि ये चीज हो। क्यों नहीं चाहता है? ये चाहता है मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं, आरबीआई थिंक्स द स्ट्रक्चर इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क से बढ़ जाएगा, और इसके अंदर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई इससे अग्री नहीं करता है, जो मैंने आपको भी बोला था, मैं इसका कोई ऐसे सेंस नहीं बनाता है, आपको भी बनाएगा। थर्ड रीजन के थर्ड पॉइंट के अंदर आएंगे, इससे आपको सेंस बनेगी। क्या होता है कि इन्होंने इंटरबैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम सेटअप कर रखा है। एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी जो भी आपका मतलब लोन देता है तो वो आपका एचडीएफसी बैंक उससे खरीद लेता है एक 1.10% की फीस पर, और उसका मतलब सॉरी सारी नहीं 70% ऑफ द लोन्स जो एचडीएफसी देता है। अच्छा मैं आपको पहले और क्लियर करता हूँ, एचडीएफसी जो है वो आपका होम लोन बेस्ड प्रोवाइड करता है, होम लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इसको मेनली आप एक होम लोन कंपनी बोल सकते हैं। तो जो भी ये सारे होम लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब एचडीएफसी के पास इतने असेट्स नहीं है तो उनको सिक्योर कराने के लिए वो एचडीएफसी को वो सेल कर देता है। तो मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने 100 रुपए का किसी को लोन दिया, तो आपने लेट से हम और इजी एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 110 रुपीज का किसी को लोन दिया है तो आप क्या करेंगे, अपना 70% लोन किसी को बेच देंगे एंड उसमें आप मतलब 110% या 1.10% आप उसके ऊपर फीस चार्ज कर लेंगे। मतलब जैसे क्या हुआ कि अगर आपने 110 रुपीज का लोन था, अगर आपने पूरा बेच दिया तो उस पर्सन ने आपको अभी की अभी 100 रुपए दे दिए, बट आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको आपका लोन अभी खत्म हो गया आपके लिए, वो ऑन पेपर आपके पास लोन अभी चलेगा मान लेते हैं 20 साल के लिए क्योंकि हाउसिंग लोन है, बट आपका जो भी कैश फ्लो आपके पास आएगा वो आप चुपचाप एचडीएफसी बैंक को दे देंगे। ऐसा इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया था क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा सिक्योर है और उसके ऊपर रेगुलेटरी लिमिट्स जो है वो काफी कम है, तो उसके लिए ही ये चीज की गई थी। अब यहाँ पर हुआ गया कि एचडीएफसी ऑन पेपर सारे लोन्स दे रहा है, बट हालांकि सारे लोन्स एक्चुअली में एचडीएफसी बैंक के थ्रू चल रहे हैं और ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, काफी अच्छी एक इन्होंने सिस्टम बनाया रखा है, और इसके ऊपर सारे लोन्स की लिमिट नहीं है, 70% लोन्स की लिमिट है, उससे ऊपर ये एचडीएफसी सेल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर ये मर्ज हो जाएंगे तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसका मेनली आरबीआई को रिस्क है, तो इसी के लिए मैंने ये पूरा कवर किया यहाँ पर। अब आपको हो सकता है कि आरबीआई की स्टेटमेंट भी सेंस बना रही होगी। आगे जाते हैं, छोटी सी न्यूज है, एक्सपोर्ट लेवी डोमेस्टिक सर्फेट कैन डेंट बॉटम लाइन्स ऑफ स्टील मेकर्स। बेसिकली स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री के अंदर थोड़े टाइम पहले ही आपका अभी जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो है उसके अंदर इंक्रीज आया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से होता क्या है कि एक्सपोर्ट करना डिस्करेज हो जाता है, तो जो लोग यहाँ पर से एक्सपोर्ट करते थे तो उनके पास बना हुआ है तो वो सेल करने के लिए कहाँ जाएंगे, वो इंडियन मार्केट के अंदर आएंगे, तो वो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ा देते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ती है तो डोमेस्टिक प्राइसेस गिर जाते हैं, और ये मेजर भी इसलिए लिया गया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी इसलिए बढ़ाई गई थी ताकि थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और स्टील जैसी बेसिक कमोडिटीज का जो प्राइस है वो थोड़ा कंट्रोल हो सके। इसके लिए हुआ क्या कि जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी फर्स्ट बढ़ाई गई, अब सेकंड पॉइंट के अंदर आएंगे, डोमेस्टिक प्राइसेस हैव फॉलन 8% सिंस देन। तो तब से आपका डोमेस्टिक प्राइसेस आपके 8% से ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अब वापस से बात करी जा रही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस से बढ़ने वाली है, तो ये आपके स्टील मेकर्स के लिए बॉटम लाइन्स मतलब होता है सेल्स। जैसे आपका टॉप लाइन होता है प्रॉफिट, बॉटम लाइन मतलब होता है सेल्स, तो सेल्स पर अगर हम ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा। पहले अगर हम देखें तो आर एट मतलब ये स्टील प्राइस की बात करें, स्टील प्राइसेस आर एट 63,500 अ टन, इतने प्राइस पर चल रहे हैं कंपेयर टू, और ये रुपीज के अंदर सब कंपेयर टू 67,000 इन जून लास्ट ईयर। तो मतलब अगर हम कंपेरिजन देखें तो काफी सस्ता आपका स्टील हो चुका है पर टन। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे टेलीग्राम ग्रुप में, और दैट इज इट, वो पॉडकास्ट जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मतलब इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपको काफी इंसाइटफुल नॉलेज दे देगा। मैं आपको सारे पॉडकास्ट नहीं फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ जो इसके हैं ऐसे एपिसोड में, बट ये वाले तो आपको श्योरली करने चाहिए दोनों पार्ट्स। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।